इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रकटे सुषमाकन हर्षवंत सब जहां तहां नगर नार नर हर्षवंत सब जहां नगर नार कै कै सोता सुमित्रा दो सुंदर सोत जन मत भयो कै कै सोता सुमित्रा दो सुंदर सोत जन मत भयो सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद अहिराजा वह सुख संपत्ति समय आज हम आप भगवान की मधुर बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे और ये कितना सुंदर सुयोग है, जो लीला जहां हुई हो उसका वहीं दर्शन हो। दुये दोहा में पूरी रामकथा समाहित हो जाएगी, परंतु हम आगे तक कथा सुनाएंगे क्योंकि कथा भी पूर्ण करनी है। आपने सुना होगा किसी के घर में उत्सव होता है तो उसके घर में बाजा बजता है। कहाँ बजता है? घर में। आंगने में बधैया बाजे
यहाँ सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा मैया से। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रकटेश सुमकंद, हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी। घर घर बधाई बाज रही हो, बाजे ला घर घर बधाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे ला घर 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 बधाई, जन्म लिहले रघुराई। गृह गृह बाज बधाव का अर्थ क्या है कि जिसको पता चला कि महाराज के घर में लाला भय, कौन लाला? अतो दिव्य लाला, अनुपम बालक देखनी जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। शब्द भाव दर्शन करिए, क्या अद्भुतता है भाई, अंदर जाने ही नहीं, रूप रास गुण कहीं न सिराई। जो आता गाता महाराज मन संतोषे, सबन कर जह तह देह असीस, सकल तनय चिर जीव हूँ बाबा तुलसीदास के ईस। ये आनंद हो रहा है कहाँ, अतो यहीं। आनंद का वास तो भैया श्री अवध में है, कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय आनंद है। देखिए, जैसे किसी बच्चे का सद्गुण सुनकर माता पिता, बच्ची हो बच्चा हो, उनका सद्गुण सुनकर माता पिता को आनंद होता है, उसी प्रकार भगवान हमारे वंश में आए हैं ऐसा जानकर सूर्य भगवान को आनंद भया। जब आनंद होता है तो गति बाधित हो जाती है। घर घर बधाई बज रही है, यही समझ में नहीं आ पा रहा है कि आनंद का भाव क्या है, आनंद का स्वरूप क्या है, और सबको एक ही गति है, क्यों है हो? आ तो भगवान सबके हैं। भगवान किसके हैं? सबके भगवान है। तो जब सबके भगवान हैं तो ऐसा महात्मा लोग विचार करते हैं कि लगा सबको कि भगवान का अवतरण हमारे ही गृह में हो गया, इसलिए गृह गृह बाज बधाव शुभ शुभ प्रगटे सुषमाकंद। भगवान तो एक स्थान पर नहीं है ना, पूरी है। अब आप जब जन्म महोत्सव में आएंगे, ये तो शारदीय नवरात्र का पर्व है, यहाँ तो सब अपने अपने अनुष्ठान में महापुरुष लगे। जब आप चैत्र राम नवमी में 8 अप्रैल को आएंगे प्रतिपदा को, तो देखेंगे घर घर बाजे बधाई। अ कई साधक तो बधाई गाए बिना शब्द ले आवे तो लुलुआत रह जाते, मौके नहीं मिलता है। हो हमारा तो नंबर ही नहीं आया, ऐसा ही होगा। भगवत रस आनंद में, भगवत भजन में ये पारी ढूंढते रह जाओ, नहीं मिलती है। यह लीला देखकर वेद ध्वनि हो रही है, आनंद बहुत सो मन रहा है, और वहां कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना, एक मास ते जात न जाना। बाबा यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह बेगन जाने को दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना। सीता राम राम
अर्थात लीला दर्शन करके, क्या लीला, गृह गृह बाज बधाव भगवान, ऐसा लग रहा सबको कि मेरे ही घर में आ गए, इसलिए गृह गृह बाज बधाव शुभ। आनंद जब भी आएगा तो एक स्थान पर नहीं आएगा, सबको आएगा, बड़ा आनंद आ रहा है। हो आज एक पत्रकार बंधु आए थे, बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने बैठते एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया, सरकार महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि आपकी कथा में इतनी भीड़ क्यों आती है। मैं भी थोड़ा अटपटाया, मैं तो किसी को बुलाता नहीं, कथा बुलाती है। मैंने बहुत पहले जब कथा प्रारंभ किया तो सुना है कि 100-100 रुपया दे के लोग ट्रैक्टर में लाद लाद श्रोता ले आवत, हम तो कभी किए नहीं, भिवानी में लोग हमको बता रहे थे 100 रुपया पर एक श्रोता यहाँ मिलते हैं महाराज। हमने कहा देखो ये सब तो हम नहीं करते हैं, कथा सुनाएंगे, जय श्रोता सुनना हो सुनेंगे, क्योंकि चारों घाट पर एकाएक श्रोता है तो श्रोता बहुत नहीं। अब जिसका पुण्य होगा वो कथा श्रवण करेगा। कल तो एक माँ आगे बैठी थी और पूरी कथा सोती रही, वो कोना में बैठी थी पूरी कथा। हमारा स्वभाव है घर में भी कोई सोता है तो हम उसको जगाते नहीं। अब अपेक्षा करते हम हों सोए तो हमको कोई जगाए नहीं, तो किसी को जगाया नहीं जा सकता है, स्वयं जगा जाता है। यही जग जामिनी जागे जो, जगाइए मत जागिए, जागो ना जगिए, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। 4 बजे से महात्मा लोग हमारे सच्चा बाबा, पूज्य सच्चा बाबा के भगत लोग, एक ही मंत्र सरकार का था, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, अपने जगो और सबको जगने दो। तो यहां कितनी अद्भुत बात हो, कौन बुलाता, कोई नहीं, सबका पुण्य बुलाता और सबके अंदर जो बैठे परमात्मा है यही असप्रभु अछत अभिकारी, असप्रभु प्रभु हृदय अछत अभिकारी, जो परमात्मा है जो सब में व्याप्त है, राम सु परमात्मा भवानी, वह परमात्मा ही अपनी कथा सुनाने के लिए जीव को बुला लेता है, कोई नहीं बुलाता। अब परमात्मा बुलाता भी है, वही परमात्मा सुनाता भी है। वह परमात्मा जब यहां हमारे श्रीधाम अयोध्या जी में आ गया, घर घर आनंद व्याप्त हो गया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।